गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज ऑन एक्सरसाइज 3.6 सेकंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, द थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चंस। और ये तीनों क्वेश्चन ऑन रिपीट हर साल आते रहते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती है ना, ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट लेट कर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम है। अगर डाउन स्ट्रीम जाना हो तो उसमें दो चीज़ें एक इंक्लूड होती हैं, एक तो स्टिल वाटर में आपकी स्पीड कितनी है, दूसरी पानी की स्पीड कितनी है, ठीक है। और अपस्ट्रीम में भी हमारे पास दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक स्टिल वाटर की स्पीड कितनी, स्टिल वाटर में आपकी स्पीड कितनी है और पानी की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड इन, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स एंड स्पीड ऑफ ऋतु इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई, कि जो पानी की स्पीड है वो हमारे पास वाई है। अब अगर अपस्ट्रीम जाएंगे तो एक्स, हमें पानी की स्ट्रीम के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। और अगर डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो ये मेरे पास एक्स प्लस वाई इज दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास गिवन है कि जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जा रहा है उसमें 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर कर रहा है, मतलब कि डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में ये स्पीड है एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना है 2, ये आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड क्या गिवन है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अपस्ट्रीम में हमारे पास x माइनस वाई, डिस्टेंस है 4, इन 2 आवर हेयर इज 2, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हेयर इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड हेयर इज इक्वेशन नंबर 1। वी हैव 2 इक्वेशंस हेयर, सो विच आर इजी टू सॉल्व, बड़ी इजीली सॉल्व हो रहे हैं कि सिंपली एड बोथ द इक्वेशंस, वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड हेयर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, हेयर कट 2x इज इक्वल टू 12, x क्या आ गया 12/2, हेयर इज 6, x की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, पुट इन हेयर एंड x, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू y, 4 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास, कि 2 women and 5 men कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 women हैं एंड 5 men दोनों मिलके अगर काम करें तो 4 दिन में काम खत्म होता है, और अगर 3 women and 6 men काम करें तो वो 3 days में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम आइडिया या कोई भी ऐसी बुक देखो तो आपको हर बार ऐसे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर। लाइक जैसे इसमें हमारे पास मैन और वुमेन हैं, बॉय और गर्ल में आ जाएंगे, मैन और बॉय में आ जाएंगे, गर्ल और वुमेन में आ जाएंगे, अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सबका सेम है। और उसका मैं एक सिंपली तरीका भी बताऊँगा इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद। 2 women and 5 men, तो पूछा क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो बाय 1 man alone। तो यहाँ पे 2 women और 5 men के साथ मिलके एक काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, मतलब कि एक दिन में कितना काम ख़त्म होगा, 1/4। अगर एक काम को 4 दिन में ख़त्म हो रहा है तो एक दिन में उसका 1/4 ही रह जाएगा। तो उसी से लेके हम इसको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट क्या आएगा, वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day। तो लेट कर लेते हैं कि वर्क डन बाय वुमेन, वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day इज इक्वल टू
वन बाय एक्स, मतलब कि अगर एक्स डेज की बात करें तो एक्स डेज में वो एक काम खत्म करेंगे। उन्होंने कहा फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, एक काम को खत्म करने में एक वुमेन को कितना दिन लगता है। मान लो एक्स डेज लग रहे हैं उसको एक काम को खत्म करने में, तो वन डे में वन अपॉन एक्स आ जाएगा। एंड सिमिलरली इसको कर लेते हैं, वर्क डन बाय मैन इन वन डे इज इक्वल टू वन अपॉन वन, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन, अब ये दोनों एक एक दिन में जितना काम कर रहे हैं, ये एक दिन में वन अपॉन एक्स कर रहे हैं, ये एक दिन में वन अपॉन वाई। और अगर देखें कि टू वुमेन और फाइव मैन मिलके एक काम को चार दिन में कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू वुमेन और फाइव मैन और काम खत्म हो रहा कितनी देर में, वन बाय फोर। मतलब कि ये टू वुमेन एक दिन में काम कर रही हैं, ये फाइव मैन एक दिन में काम कर रहे हैं, दोनों कंबाइन करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वन बाय फोर। सो हेयर इज वन बाय फोर। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनेगी, थ्री एक्स प्लस एंड सिक्स मैन दैट इज सिक्स अपॉन वाई एंड फिनिश द वर्क इन थ्री डेज दैट इज वन अपॉन थ्री। सो हेयर इज द इक्वेशन। ये सिमिलरली वैसे करना है कि सिंपली पुट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड वन अपॉन वाई इक्वल टू वी। अब इसमें ट्रिक क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये मैन वुमेन बॉय गर्ल, सिंपली जो इक्वेशन में गिवन है, चाहे थ्री बॉयज फोर गर्ल्स ऐसे गिवन है, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वी ऐसे करके, जैसे थ्री बॉयज एंड फोर गर्ल्स गिवन है, तो थ्री अपॉन एक्स फोर अपॉन वी, और जितने दिन में कर रहे हैं उसको वन अपॉन में ले लो। सिंपली ट्रिक याद रखना, बड़ी ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए याद ही हो जाने चाहिए कि बोर्ड में इनको करना कैसे है। तो ये क्या, टू यू प्लस फाइव वी इज इक्वल टू वन बाय फोर एंड हेयर इज थ्री यू प्लस सिक्स वी इज इक्वल टू वन बाय थ्री। यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड वी हैव द टू इक्वेशंस हेयर, जस्ट सॉल्व द इक्वेशन एंड वी गेट द आंसर्स फ्रॉम दिस एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट। यू कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, वट एवर मेथड यू लाइक टू सॉल्व इट। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। ओके, हेयर इज द थर्ड क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चंस में इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, वो तो पूरी एक्सरसाइज में हम कर ही चुके हैं, या पूरे चैप्टर में इक्वेशंस ही सॉल्व किए हैं। मेन चीज़ जो है इस चैप्टर में वो ये है कि स्टेटमेंट को समझ के इक्वेशंस बनाने कैसे है। तो पहले उसी को स्टार्ट करते हैं। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 300, जिसमें से कुछ हिस्सा वो बस से ट्रैवल कर रही है, कुछ बाय ट्रेन। शी टेक्स 4 आवर इज शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब 4 आवर्स लग रहे हैं उसको अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी का डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रही है। अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है तो बस से कितना डिस्टेंस बचा, 60 बाय ट्रेन, तो बस से कितना बचा, 300 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 240। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा कि स्पीड जो है हमारी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो टाइम क्या रहेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। टोटल टाइम कितना लगा है, 4 आवर्स लगे हैं बस और ट्रेन का मिला के। तो डिस्टेंस तो लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ, फर्स्ट क्या पूछा हुआ है उसने, गिवन है स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू वाई। तो डिस्टेंस बाय ट्रेन कितना है 60, स्पीड कितनी है x, और डिस्टेंस बाय बस कितना आया था 300 माइनस 60 240, और स्पीड y, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का मिला के टाइम कितना है हमारे पास, 4 आवर्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, ये तो एक इक्वेशन बन गई, सिंपली 1/x को u और 1/y को v पुट करो, हमारे पास ये इक्वेशन डन है। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, अब इसमें इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी 100 बाय एक्स एंड 200 बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब 4 + 10 मिनट्स 10/60, 6 × 4 = 24 दैट इज 250/60, 0 से 0 का 25/6। सो वी हैव द इक्वेशन x 200 by v is equal to 25 6. So here we have the two equations.
सिंपली सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जस्ट पुट 1 अपॉन x इज इक्वल टू u, 1 अपॉन y इज इक्वल टू, हियर पुट द y, मैंने ऐसे भी लिख दिया, 1 अपॉन y इज इक्वल टू v एंड सॉल्व द इक्वेशंस. सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.6. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इन केस आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा तो डू मैंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू एंड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.